सीकर जिले के रानोली कस्बे में रेलवे फाटक को स्थायी रखने और अंडरपास को बंद करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से आंदोलन कर रहे कस्बे वासियों ने सोमवार को बाजार बंद रख कर विरोध जताया। इस दौरान ग्रामवासियों ने रेलवे स्टेशन पर सभा की और फाटक को यथावत रखने की मांग की। ग्रामवासियों ने बताया कि जब रेलवे विभाग ने स्वयं ही 2022 तक इस फाटक और रेलवे स्टेशन को यथावत रखने की बात लिखित में ग्राम पंचायत को दे रखी है, तो उसके बाद भी फाटक को बंद कर अंडरपास बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। इस फाटक से करीब 50 ग्राम पंचायतों का सीधा आवागमन है। यह फाटक अगर बंद हुआ तो भारी वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी होगी। वहीं बरसात के दिनों में यहां पानी का भराव होगा, क्योंकि पानी निकासी का भी यह एक मुख्य मार्ग और इसी मार्ग पर अंडरपास बनाया जा रहा है। इस दौरान ग्रामवासियों ने रानोली कस्बे के बाजार पूर्णतया बंद रखे। स्टेशन पर स्थित सभी बाजार, फल सब्जी विक्रेताओं ने भी बंद को समर्थन किया। बंद के दौरान चाय पानी की दुकानें तक भी नहीं खुली। ग्रामवासियों ने कहा कि जब तक फाटक की समस्या का समाधान रेलवे विभाग नहीं करेगा, तब तक वे आंदोलन करते रहेंगे। इस दौरान पूर्व विधायक अमरेंद्र अमराराम ने भी धरने को संबोधित किया। और आज फाटक बंद हो गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बंद हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए आने वाली पीढ़ियां भी आराम से गुजरने तक लगातार लड़ी जब जाकर के वो गोलटिका अंडरपास बना। बड़ा उनको 3 किलोमीटर जो उधर घर थे, उनका खेत था, उनको 3 किलोमीटर राउंड काट के आना पड़ता था, जो कि स्वीकर था इनके मेन प्रोजेक्ट में, स्वीकर था उसके बाद में भी। और ऐ तो मान लो स्वीकर दे गए, स्वीकृत कर दिए, उसे तो काल के दे। नौजवानों से निवेदन है, हमने तो इन सरकारों से भवानी सिंह जी तो कहे मैं तो छोड़ दी फिर राज में क्या किया, वो बात कर रहे थे 13-10 दिन तक बैठे रहे आधे राजस्थान में। 3 दिन तक रास्ता जाम होने के बाद में सरकार की नींद खुली। ये हर तरफ से सरकार किस तरह से आम जनता को परेशान किया जा सकता है, और मैज और मैज इनको 4 कर्मचारी नहीं लगाने पड़ते बना रहे कि इस फाटक से एक्सीडेंट हो रहे हैं। ये कोई भी किसी भी तरह से उत्तर सही नहीं है, उसके हम साथ हैं। और निश्चित रूप से चौकसी रखे, जब भी काम शुरू करने की जबरदस्ती कोशिश करें, फोर्स लेके करें, तो हम फोर्स से भी निपटना जानते हैं। पहले शांतिपूर्वक है, और उस शांति को भंग अगर रेल और पुलिस प्रशासन करने की कोशिश करेगा तो उसका जवाब भी इनका जवाब पत्थर से देने का काम को बर्बाद करने का। ये व्यापारिक सेंटर है, आसपास के तमाम गांवों के लोग अपने आम उपभोग की चीजें यहां खरीदने के लिए आते हैं, अपने पैदावार यहां बेचने के लिए आते हैं, और वो तमाम सरकार केवल 4 कर्मचारियों को यह फाटक पर लगाना पड़े इसके लिए हर हजारों हजारों लोगों को परेशान करना चाहता है। मैं समझता हूं इसको मंजूर नहीं करेंगे। रेल विभाग करेगा, उनका कोई भी अधिकारी करेगा, तो मैं समझता हूं इसका एक इलाज है संघर्ष। तय रूप से अधिकारी आए, बात करके इसका समाधान करते, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मेरा तो आपसे एक ही निवेदन है कि सुविधा को अगर आप जारी रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से संघर्ष करना पड़ेगा। और जो मेन फाटक है इन राखवा के लिए, जो राजाओं टाइम से भी स्टेशन है और आम जनता ही फाटक हो रही जाती, और 20 गांव से ज़्यादा अठिन जनसंख्या है 20 गांव की भी, तो बी के लिए कोई बड़ो साधन आवे, फूस को चारा के लिए आवे, गौशाला है, तो बी के लिए वो अंडरपास में अगर पास को नहीं हो सके, इसलिए वो फाटक के रखियो जाए और अंडरपास न बनाया जाए। गाँव का आदमी ऐड है, दुकानदार भी सब दुकान आपकी सो बंद कर रहे और प्रदर्शन के लिए तैयार है, बैठे ऐड है, क्योंकि हमारा जो ये फाटक है पहले ही यथावत रखाया गया था। 2022 तक इसको बंद करने की कोई योजना नहीं थी, लेकिन फाटक को बंद करके एक भी वो अंडरपास बनाया जा रहा है, जिससे 5 किलोमीटर के एरिया तक का पानी का भराव है, और साथ में ही एक साइड में 104 मीटर और एक साइड में 90 मीटर का अंदरूनी गहरी गुफा बनेगी, जिसमें बरसात के दिनों में आने जाने में तो तकलीफ होगी होगी, गांव की जो भी बाण बेटियां हैं उसको जाने में और आने में परेशानी होगी। इसलिए हमारी कोशिश ये है कि फाटक को यथावत रखवाया जाए या फिर ब्रिज बनाया जाए। भाई ये फाटक काफ़ी पुराना है, इधर
करीबन 10 से 12 ग्राम पंचायत है और राजस्व गांव 63 राजस्व गांव आते हैं और काफ़ी दिनों से यह फाटक चल रहा है। इधर आवागमन भी खूब है और यहाँ जैसे पहले जो बात हुई थी उसमें ये बताया गया था कि 2022 तक ये फाटक यथावत रखा जाएगा और अचानक। वहीं रानोली ग्राम पंचायत के सरपंच विनोद यादव, शिशु सरपंच बेद की ढाणी, ग्राम पंचायत अजबपुरा, जुराठला, मियाँ की ढाणी, सांगरवा, बराल सहित दर्जनों गांव के लोगों ने धरना देकर विरोध जताया।